जय हिंद दोस्तों। आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भूतपूर्व सैनिक, सर्विंग जवान और जेसीओ तथा उनकी फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा मौका है इंडिया की टॉप सिटी में फ्लैट खरीदने का। तो क्या है पूरा, कैसे अप्लाई करेंगे, कितनी फीस लगेगी, कितने फ्लैट की क्या चार्ज है, पूरी जानकारी इसमें मिलने वाली है। सबसे पहले तो बता दें, ये नोटिस जारी हुआ है 23 मार्च इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। 23 मार्च से पहले पहले अप्लाई कर लें। कौन कौन से जॉब जो लोकेशन होंगे, कौन कौन से होंगे, उनके बारे में बात करेंगे। पहले तो नोटिस देखते हैं, नोटिस में क्या दिया हुआ है। तो ये देख सकते हैं, डिमांड सर्वे ऑफ फार्म का दिया है और सारे नोटिस में इसमें डाउनलोड करके इसके बाद बात करते हैं कितना आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले इसको नोटिस देखते हैं। ये नोटिस है, इसमें आप देख सकते हैं फ्लैट है, आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से फ्लैट आप ले सकते हैं और बहुत ही कम कीमत में, कंसेशन प्राइस में आपको फ्लैट मिलेंगे। इसके लिए आपको AWPO AWHO को एप्लीकेशन देना होगा और इसमें इन्होंने ये डिसाइड किया है कि पहले आप एप्लीकेशन देंगे, इसके बाद आपको फ्लैट तैयार किए जाएंगे और आपको 2 साल के अंदर अंदर फ्लैट तैयार करके दिए जाएंगे। फ्लैट कई जगह इनके फ्लैट बने हुए भी रहते हैं और कई जगह ऐसे होते हैं कि फ्लैट बन जाते हैं लेकिन उनका मेंटेनेंस रहता है, लास्ट में फिनिशिंग करने का काम रहता है। तो उसके बारे में दिया है पूरी जानकारी। इसमें बता दें कि एप्लीकेशन जो इसमें एक अटैच किया हुआ है, उस एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है आपको। जो भी इंटरेस्टेड हैं डिफेंस पर्सन, जैसे कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, आसाम राइफल के जो सर्विंग है, रिटायर्ड जवान है, वो अप्लाई कर सकते हैं, जेसीओ अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद विडो ऑफ डिफेंस पर्सन, पेरेंट्स ऑफ डिसीज डिफेंस पर्सनल। इसमें जो लोकेशन रहेगा आपके फ्लैट के, बेंगलुरु में है, पुणे में है, गुड़गांव में है, पंचकुला में है, नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा में है और जयपुर में है। 15 मार्च 2023 इसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन सबमिट करने की। तो एप्लीकेशन आपको कैसे भरना है उसकी जानकारी देंगे और एक फ्लैट लेने के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस फीस कितनी रहेगी उसमें आपको बता दें। 2 BHK या 2.5 BHK अपार्टमेंट लेंगे JCOR, उनके लिए जो फीस है 50,000 रुपये है। और 3 BHK 4 BHK अपार्टमेंट लेने के लिए JCOR के लिए 75,000 रुपये अप्लीकेशन फीस लगेगी। इसके बाद आपकी एक किस्त बना दी जाएगी, उस किस्त के आधार पर आपको किस्त वाइज पैसे जमा करने हैं। कुछ इसमें इकट्ठा ले लेते हैं, बाकी आपकी किस्त बना देते हैं और बैंक का लोन भी कर दिया जाता है, उसके थ्रू आपकी किस्त बन जाती है। इसमें बता दें 15 मार्च इसकी एप्लीकेशन भरने की लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आपको फॉर्म भर लेना है, नहीं तो बाद में आपको फॉर्म भरने का टाइम नहीं मिलेगा। इसके लिए कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, इनके टेलीफोन नंबर दिए हैं, फैक्स नंबर दिए हैं, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या एड्रेस पे विजिट भी कर सकते हैं। ये पूरा एड्रेस भी दिया है, न्यू दिल्ली में AWPO का हेड ऑफिस है। इसके लिए फॉर्म का परफॉर्मा भी दिया है, इस फॉर्म को आपको भर के जमा करना होगा। इसमें एक फोटो लगानी है, पर्सनल आर्मी नंबर लिखने, रैंक नेम लिखना है, फादर नेम, स्पाउस नेम, यूनिट फॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद रिटायरमेंट डेट, डिस्चार्ज डेट लिखना है। इफ एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल उनके लिए है जो रिटायर्ड सैनिक है, जवान है, जेसीओ। इसके बाद बाकी चीज सारी चीज भर के आपको देनी है। इसके बाद एक लोकेशन भी लिखना है, जिस लोकेशन में आपको फ्लैट चाहिए, कितने BHK का फ्लैट चाहिए वो भी इसमें जानकारी देनी है, 2 BHK 3 BHK, इसको भी टिक करना है। बाकी डिटेल आप इसमें पूरी दी है, इसको भर के जमा करना होता है। इसके साथ में आपको फीस भी, जो जिस हिसाब से फ्लैट ले रहे हैं उसकी फीस जमा करनी होगी, 50,000 या 75,000। तो वो फीस जमा करके आप फ्लैट के लिए पहले से बुकिंग करा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा मौका है, बड़े बड़े शहर हैं और इन शहरों में ऐसे निकलते रहते हैं। तो ये AWHO में जितने भी, ज्यादातर मैक्सिमम सैनिक ही रहते हैं, उनके परिवार रहते हैं। अगर कोई बेच देता है सिविलियन को तभी कोई सिविलियन आता है, नहीं तो ज्यादातर सैनिक के परिवार वाले ही इस जगह पर रहते हैं। ये थी जानकारी इस वीडियो में, इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू, जय हिंद।